मीठे लजीज है, छप्पन चटकारे हैं यार, लिप्स पैकिंग है डिलीशियस है, एक से बढ़कर एक तैयार, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। लोग नए नई बहारे, और नया है नई जगह है, रोज है नया शहर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। बदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। भजा राम राम, आप सबका स्वागत है बुंदेलखंड में। आज हम अपने जायके के सफर में आ पहुंचे हैं झांसी, द लैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। झांसी इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, सो लेट्स टेक अ लुक एट द हार्ट ऑफ इंडिया। अठारह का वो जलजला, घमासान युद्ध, देश के हर व्यक्ति का शक्ति प्रदर्शन और शायद हर भारतीय का सर ऊंचा करने के लिए एक बेहतरीन अवसर। इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से 19 नवंबर 1831 अंकित हुआ मनु छबीली वीरांगना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पावन धरती पर कदम रखने से, और उस मार्शल पास की याद दिला रहा है ये किला झांसी का। शायद वीर सिंह जूदेव ने भी ना सोचा होगा कि 1613 में स्थापित उनका ये किला सारे विश्व में इस वीरांगना के साथ अमर हो जाएगा। वीर सिंह के राजगुरु की बहू लक्ष्मीबाई के कड़क बिजली तोप ने अपनी कड़कड़ाहट से 1857 के गदन में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। रानी और उनके वफादारों की अटूट मिसाल है ये मोहम्मद गौस खान, खुदा बख्श और महिला तोपची की सम्मिलित समाधि। इस वीरांगना का दूसरा पहलू भी दर्शाता है यह किला, पूजा पाठ, आमोद प्रमोद, कुशल रणनीति और न्यायप्रियता। ये लहराता ध्वज स्मरण कराता है रानी का साहसिक प्रयास अपनी मातृभूमि के लिए, स्मरण कराता है उस विस्मयकारी क्षण को जब रानी तो बच गई पर उनका निडर घोड़ा साथ छोड़ गया। रानी लक्ष्मी मंदिर, रानी की खास जगह, ईश्वर पर उनकी आस्था और उन पर ईश्वर की कृपा, इस मंदिर का चमत्कार कुछ ऐसा ही है। अठारह जब उनके पति गंगाधर राव ने अंतिम सांस ली, पति और परमेश्वर के लिए रानी द्वारा बनवाई गई ये समाधि।
लक्ष्मी ताल और उसके आसपास के सारे पूजा स्थल। इन नवग्रहों में शक्ति की प्रतिमाएं स्थापित की शक्ति की साक्षात देवी लक्ष्मी बाई ने, और वहीं पर है 1687 में बना ये काली मंदिर। एक अनूठी जगह, पंडित प्रेम नारायण त्रिवेदी द्वारा बनवाए गए इस मंदिर का लोकेशन कुछ ऐसा है कि रानी मंदिर, उनके पति की समाधि और ये काली मंदिर एक दूसरों की ओर मुख किए हुए हैं। हर दिशा से गूंज रही है एक ही आवाज, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी इज नॉट अ वेरी फूड कॉन्शियस प्लेस, पर यहां पर आपको मिलेंगे बोथ एमपी और यूपी के जायके। जितना गर्मा गर्म झांसी का पास्ट है उतना ही मीठा उसका प्रेजेंट। पर यहाँ के लोग तो मीठे के कायल हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। मिठाई तो ऐसी चीज है कि जिसके बिना कहीं जी ना लगे, और मिठाई के लिए झांसी में इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अपना शर्मा स्वीट है ना, जहाँ के मुंह में पानी आने वाली मिठाइयों को खा कर तो देखो। दुग्ध प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के पास होने के कारण यहाँ दूध की मिठाइयों का थोड़ा ज्यादा ही प्रचलन है। समय के परिवर्तन के साथ लोगों की जीप पर आज केक और पेस्ट्रीज ने भी एक परत बना ली है, और इसी जायके को अपने अंदाज में नव भारत बेकरी झांसी वासियों तक पहुंचा रही है। फिर ये लजीज केक और पेस्ट्रीज, और खास तौर पर ये प्लम केक तो यहाँ के इतने अच्छे हैं कि यहाँ आकर तो दिन बहुत बढ़िया गुजरता है। पर मिठाइयों से सबका पेट नहीं भरता, हमें चाहिए चटपटा खाना। नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, भूख ज्यादा हो या फिर कम, कदम बढ़ाएं और चले आए नव भारत रेस्टोरेंट। का मिनी मील, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थाली हर आने जाने वाले की भूख और जायकों को तृप्त कर देता है। यूपीटी का वीरांगना कुछ कम नहीं है। लोगों की भीड़ ही बता रही है कि यहाँ का खाना सचमुच कितना पॉपुलर है। करेला? बिल्कुल नहीं। करेला चाट? ऑफ कोर्स। झांसी में एक ऐसा चाट मिलता है जो और कहीं नहीं मिल सकता। भुना करेला, भरवा करेला, ये सब तो आपने जरूर खाया होगा, पर क्या कभी आपने करेला चाट का जायका चखा है? अगर नहीं तो चले आइए झांसी। नारायण चाट भंडार आज झांसी और आने वाले लोगों को करेला चाट चखा रहा है। कुरमुरे करेले शेप की पापड़ी, उस पर चटपटी चटनी, दही मसाले, चटोरों की चटपटी चॉइस है ये चाट, यानी कि करेला चाट। कहीं और नहीं नसीब होगी ये अनोखी चाट। वेजिटेरियन फूड के लवर्स के लिए भी झांसी में बहुत कुछ है, जैसे कि कबाब, चिकन टिक्का वगैरह वगैरह। आंखों के सामने गर्मा गर्म फ्राई होते, तेल में छुन छुन तलते ये कबाब और ये चिकन लेग्स। नॉन वेजिटेरियन पब्लिक को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, अपना झांसी मीट का बादशाह भी है। झांसी का जवाहर होटल आज मीट के बादशाह के रूप में बहुत मशहूर है, और अपने लजीज जायकों के कारण आज भी झांसी के लोगों ने उसे ये उपाधि दी हुई है। वेलकम बैक। रानी झांसी के समय से लेकर आज की प्रेजेंट झांसी के लोगों की फूड हैबिट्स इंडीड काफी यूनिक है, सचमुच काफी खास। आज हम अपने रेसिपी सेक्शन में लेकर आए हैं उन्हीं की एक बहुत ही पसंदीदा डिश, जिसका नाम है पसंदा, सिर्फ आपके लिए।
और इसके लिए आज हमारे साथ हैं होटल सूर्य बेस्ट वेस्टर्न के एग्जीक्यूटिव शेफ मिस्टर सुशील चुक। शेफ, वेलकम टू आवर शो। हेलो माननी। ओके शेफ, ये पहले बताइए कि पसंदा का नाम पसंदा क्यों है? पसंदा का मतलब है कि उसके एस्केलोप्स पतले पतले स्लाइसेस हैं जिनको, जो कि बोनलेस होने चाहिए, उसके अंदर कोई फाइबर नहीं होना चाहिए और स्किनलेस होने चाहिए। अच्छा, ओके, तो शुरू करें शेफ। हाँ जी, ओके। सबसे पहले हम पसंदा बनाएंगे और उसके लिए ये बोनलेस लेग के पीसेज हैं, आप देख रहे हैं जैसे ये कटे हुए हैं, और अब इनको ऐसे साइज पीसेज में काटेंगे। आप ऐसे पीसेज में काट लेंगे और आप देख रहे हैं कि जो मीट का ग्रेन है वो ऐसे चल रहा है, हम उसको ऐसे काट रहे हैं, उसको अक्रॉस द ग्रेन काट रहे हैं। आपको ऐसे इसको पॉलिथीन शीट में रख लेना है ऐसे, और इसको ऐसे पॉलिथीन शीट से ऐसे कवर कर लेना। अच्छा, और कवर करके आपको ऐसे हैमर से जी, प्रेफरेबली अगर वुडन हैमर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा। है अब इन पसंदाज को हम मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के लिए हमें ज़रूरत है योगर्ट की। सिर्फ कितना दही लेना चाहिए? इसमें 4 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं हम। अच्छा, मतलब 8 पीस के हिसाब से 4 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे ऑनियन का पेस्ट। अच्छा, ये रॉ ऑनियन का पेस्ट है जी, जिसको 1 टेबलस्पून जितना डालना है। और अब इसमें हम गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं जी, ये 1 टीस्पून। हाँ, राइट। और इसमें डालेंगे जिंजर का 1 टीस्पून जी, और इसके अंदर जो स्पाइसेस पड़ेंगी वो हैं, एक तो सॉल्ट से सीजन करेंगे हम इसको जी स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है, चुटकी भर या हाफ, जैसे क्वार्टर टीस्पून, हाफ ए टीस्पून इसके। अच्छा। और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ये रॉ जीरा है साबुत, और इसके अंदर ये फ्रेश मेथी है जी, इसको फेनुग्रीक लीव्स कहते हैं, वो 1 टेबलस्पून जितना डाल देंगे। ठीक है। और इसमें और एडिशनल फ्लेवर लाने के लिए हम ये कोरिएंडर सीड्स का पाउडर है। अच्छा, जो कि हम 1/2 टेबलस्पून जितना यूज़ कर लेंगे जी, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शेफ, मैं पूछना चाह रही थी कि मोस्ट मीट डिशेज हैव योगर्ट, हाँ जी, तो वो क्यों होता है, उसका कोई खास उसको purpose? एक तो टेस्ट लाने के लिए और दूसरा टेंडराइजिंग करने के लिए। अच्छा, ये 2 फंक्शन है योगर्ट जी के। जी, और ये जब मिक्स हो जाएगा आखिर में इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालना है जी, अप्रोक्सीमेटली कितना? 1 टेबलस्पून जितना काफी, और फिर इसको दोबारा ऐसे मिक्स कर लेना जी। तो मतलब कुकिंग प्रोसीजर से पहले ऑयल पड़ना है। हाँ जी, इस पेस्ट में। अच्छा। और ऐसे आप जितने पसंदज हैं हमारे पास में जी, उसको आपने इसमें मसाले में लगा लेना। अच्छा, ऐसे लगा लेंगे एक एक करके, मतलब ये मैरिनेड है। हाँ जी, और ठीक है, ये बड़ा थिक मैरिनेड है जो कि उसके ऊपर चिपक जाएगा जी। इसको बड़ा ही जेंटली हैंडल करना है जी, वही मैं देख रही थी क्योंकि इतने फाइनली कट हैंगे स्लाइसेस हैं तो ये टूट भी सकते हैं, तो ध्यान से हैंडल करना चाहिए इसको। ऐसे मैरिनेट करके जी 1/2 आवर के लिए वी विल कीप इट जी, और जब तक ये मैरिनेट हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए जो मसाला चाहिए हमें भुना हुआ वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा। उसके लिए हमें चाहिए घी, अप्रॉक्सीमेटली 1 बड़ा चम्मच, और जैसे ये स्मोकिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, आप देख रहे हैं कि काफ़ी गर्म हो गया है, इसके अंदर हम ये होल स्पाइसेस को डालेंगे, और ये होल स्पाइसेस हैं सिनेमन, दालचीनी भी जिसे कहा जाता है, ब्लैक कार्डेमन और क्लोव्स। तो मतलब लौंग हो गया, आपका तेज पत्ता हो गया, और इसको थोड़ा सा इसके अंदर भूनेंगे जी, जितना अच्छा ऑयल गर्म होएगा या घी गर्म होएगा उसके अंदर जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो उतना ही ज़्यादा निकलेगा जी। और इसमें अब ये थिनली स्लाइस ऑनियन जो हैं जी वो डाल देंगे। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना? 4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे 8 एस्केलोप्स के लिए, 8 पसंदाज के लिए।
अच्छा शेफ, इसको ब्राउन करना है या लाइट ब्राउन रहने देना? ब्राउन करना है। ब्राउन करना। अच्छा ब्राउन करना है इसको। और इसको कंटिन्यूअसली आपको हिलाते रहना है कि जो ऑनियंस हैं वो इवनली ब्राउन हो। और इसको काटने के टाइम पर भी ये प्रिकॉशन लेना है कि वो उसकी थिकनेस जो है बराबर ही हो जी, कि सारे ऑनियंस हैं एक ही टाइम पर ब्राउन हो जाएं जी। अगर वो थिकनेस जो है अलग अलग होगी तो ऑब्वियसली। और जैसे ये ऑनियंस ब्राउन हो जाएंगे तो आपको इसकी फायर जो है रिड्यूस कर देनी है। और इसके ऊपर ये जो पसंदाज हैं इनको वो डाल देना है। और आपको पसंदाज को ऐसे इवनली स्प्रेड कर देना है कि वो एक ही लेयर में होने चाहिए। तो इसको इसी तरह से चलाते रहें और जेंटली चलाएं, जैसे आपने हाँ कहा कि टूटना नहीं चाहिए। पर एक बार जब पसंदाज कुक हो जाएंगे तब उसमें कोई भी टूटने का डर नहीं है जी, पर पहले इसको काफ़ी केयर की ज़रूरत है जी। शेफ, बहुत सी इंडियन डिशेज स्लो फायर पे कुक की जाती है, तो उसका भी कोई ख़ास मीनिंग होता होगा? वो क्या टेस्ट के लिए होता है कि? हाँ, वो टेस्ट के लिए भी है और उसको जो कुकिंग है उसको प्रॉपर कुकिंग हो। अच्छा, इस वजह से भी है। अभी आप देखेंगे कि अभी हम इसको स्लो फायर पे कुक कर रहे हैं जी, और जैसे ही स्टॉक डालेंगे फिर फायर को इंक्रीज़ कर देंगे जी, और उसके अंदर उसको बॉईल आने देंगे फिर फायर को रिड्यूस कर देंगे कि ऐसा ऐसा जो है उस स्टॉक के अंदर उस यखनी के अंदर ये पकता रहे जी। तो शेफ, अगर कोई यखनी ना बनाना चाहे तो कैन दे सब्स्टिट्यूट दैट विद वाटर आल्सो? यस इट कैन बी। ओके, पर यखनी से उससे काफ़ी अच्छा एडिशनल स्ट्रॉन्ग टेस्ट मिलेगा और पानी से जो है वो फ्लेवर नहीं आएगा जी। जब पसंदाज देख रहे हैं आपकी हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं तब हम इसमें यखनी को डाल देंगे जी। अच्छा, इसमें एक लैडल फुल ही पड़ेगा जी। जैसे इसमें बॉईल आ गया, हमने इसकी फायर को रिड्यूस कर दिया और अब हल्की आंच पे इसको कुक करते रहेंगे जी। कितनी देर कुक करना चाहिए शेफ? जब तक ये जो इसमें हमने यखनी डाली है या जो आप पानी डालेंगे वो रिड्यूस ना हो जाए। अगर जैसे वो रिड्यूस हो जाएगा तो उस समय आप ये जो पसंदाज हैं वो रेडी होने चाहिए, टेंडर हो चुके होंगे तब तक, और ये जो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। अब ये पसंदाज ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि इसका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी एवोपरेट हो चुका है और ये ऑयल जो है और जो इसका घी है वो ऊपर आने लग गया। अब इन पसंदाज को हम डिश आउट करेंगे। आपका पसंदा तो तैयार हो गया, अब हम इसे रखते हैं और आप लीजिए छोटी सी ब्रेक। झांसी इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी टूरिस्टिक प्लेस विद लॉट्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, बट प्रकाश गेस्ट हाउस प्रेजेंट्स अ डिलाइटफुल पिक्चर। देखन में छोटन लगे, काम करे गंभीर, ये है प्रकाश गेस्ट हाउस। एक ऐसा रिट्रीट, एक ऐसा हाइड आउट जो झांसी के अंदर और बाहर के लोगों में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। फैमिलीज, किड्स और फूड लवर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस। प्रकाश गेस्ट हाउस का कूल एम्बियंस और सैटिस्फाइंग सर्विस इसे झांसी में जरा हट के जगा देता है। Our hotel was started in 83
and our full flesh, and we need the requirement of the customers, and day by day I have increased my hotel, and I have opened the restaurant in 90s and bar also, and recently we have provided a swimming pool. Mainly in Bundelkhand region, there is a, in any hotel there is a no swimming pools and no other any health club is also over there. We are providing later on disco hall is also on the top floor. प्रकाश गेस्ट हाउस नयापन और बेहतर होने के दावे पर अमल करते हुए मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ता। यहाँ पे क्या है, पंजाबी ट्रेडिशन ज्यादा है। दे नीड, जो भी बंदा आता है रेस्टोरेंट में वो नीड अ हैवी फूड, नॉट अ लाइट फूड। तो ओनली सब क्रीम और जो भी हैवी चीज है इट दे नीड इट। यूपी का मेन डिश है बिंजौल बैगन, जो कि सिर्फ वो भुनने के बाद बैगन का भरता और वो सब चीज़, मतलब आउट ऑफ दी जो यूपी मेन है उसको बनाती भी नहीं है, सिर्फ भून के नमक डाल के उसको एज अ चटनी जो अपन लोग कहते हैं ऐसे दे ट्रीटेड। रेस्टोरेंट में खास डिशेज हमारी हैं, चिकन चिली है, रोस्टेड चिकन है, और वेजिटेरियन में पनीर चिली है, और सिजलर इज़ द मेन आवर डिश। खाना ऐसा कि इंडियन, वेस्टर्न और मुगलई का बेहतरीन बैलेंस। साथ साथ यहां आने वाले हरेक के पास है फ्रीडम ऑफ चॉइस, रेस्टोरेंट, बार या फिर बारबेक्यू एंजॉय करने की। झांसी, रिच इन मार्शल पास्ट एंड रिचर इन गुड फूड। आई होप यू एंजॉयड विजिटिंग दिस फर्स्ट स्टेशन ऑफ अ डिलीशियस इंटरेस्टिंग जर्नी। हमारा अगला हॉल्ट है हिस्टोरिकल ओरछा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।